हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिट्रीव्यू टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड टू या बुलेट्स में जो है रेड लाइट ग्लोइंग की प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है रेड लाइट ग्लो हो रहा है ओनली, और ये जो है कभी जो है फुल चार्ज नहीं होता है। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये है बैटरी की, तो हमें इस कंडीशन में बैटरी रिप्लेस करना होगा। और बैटरी जो है आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगी, तो बैटरी जो है आपको अल्टरनेटिव ही लगाना पड़ेगा इसके अंदर। आपको इस तरह की कोई बैटरी इसमें लगानी होगी। हालांकि इसके अंदर जो बैटरी है उसका जो स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये है 129 mAh की, और ये जो है इसका जो नॉर्मल जो है मिनिमम वोल्टेज है इसका 3.8 वोल्ट है। अब 3.8 वोल्ट की जो मार्केट में बैटरी तो मिलने से रही, आप जो है इसको लगा सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा आपका ये होगा कि जब ये बैटरी 3.8 वोल्ट तक आएगी तब ये डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब आपका लो बैटरी शो करने लगेगा इंडिकेशन। और ये जो है इसमें आपका जो है फुल चार्ज का इंडिकेशन शायद ही आए, क्योंकि ये जो बैटरी है 3.7 वाली ये 4.2 तक ही चार्ज होती है, और ये जो बैटरी है 4.4 तक चार्ज होती है तब ये फुल वोल्टेज यानी फुल चार्ज शो करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप फुल चार्ज के लिए जितनी देर में लगा के रखते थे और उससे कम ही टाइम में इसको निकाल लें ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी यही सॉल्यूशन है इसका। और अगर आप ये बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ दो वायर हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपके तीन वायर हैं। इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये टेम्परेचर का पॉइंट है। किसी किसी मॉडल में ये आईडी का भी पॉइंट होता है, और ये तीसरा पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बैटरी की आइडेंटिफिकेशन और टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो दिखाता है। और ये वैल्यू अगर ना मिले ईयरफोन को तो ये हो सकता हो ऑन तो हो जाए पर चार्ज ना हो, या फिर कई मॉडल्स में ऑन भी नहीं होता है इस तीसरे पॉइंट की वजह से। तो इस तीसरे पॉइंट का जो है आपको जो है ये पीसीबी जो है इस बैटरी के आगे एक पीसीबी लगा हुआ है, तो वो पीसीबी आपको निकाल कर इस बैटरी पे लगाना होगा, तब आप ये बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। और मैं इसमें जो है ये बैटरी इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ये बैटरी रखी हुई थी, तो मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। बाकी मैं पीसीबी निकाल कर कैसे आपको जॉइंट करना है ये ज़रूर बता दूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसे ओपन कैसे करना है। ओपन करने के लिए जो है आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल थीनर या पेट्रोल जो भी बोलते हैं आप, ये जो है आपको इस रबर के कॉर्नर पर डालना होगा। उसके बाद प्लास्टिक के टूल से आपको जो है इसे हटाना है। मैं पहले से ही इसको रिमूव कर चुका हूँ, तो आपको ये स्लोली स्लोली इसको जो है प्लास्टिक के टूल से हटाना है। ध्यान रखिए कोई मेटल का टूल इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये कट जाएगा। और अगर आपके पास इतना सा भी गैप हो जाए यहाँ पे, उसके बाद और आईपी पेट्रोल या थिनर डालिए इसमें, इसके कॉर्नर्स में बहुत सारा। और किसी कटर की मदद से इसको जो है आपको यहाँ से पकड़ना है और पीछे की तरफ जो है खींचना है इसको। ध्यान रखिएगा थोड़ा हल्का हल्का हमें ट्विस्ट करते हुए खींचना है, और इसको आप दबा के रखिए नहीं वरना जो प्लास्टिक जो है टूट सकता है। आप हो सके तो इस पर टेप लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। आपको ट्विस्ट करते हुए पीछे खींचना है इसको, ये इस तरीके से खुल जाएगा। और उसके बाद अब आपको इससे ज़्यादा नहीं खींचना है, इसके बाद आपको पीछे से आपको पुश करना है इसको। प्लास्टिक के टूल से ही ध्यान रखिएगा, कोई भी मेटल का टूल इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप इसको पुश करेंगे बैटरी इधर से निकल जाएगी। अब जो हम इसकी बैटरी निकाल लेते हैं इसमें से,
दोस्तों बैटरी रिप्लेस करने से पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम जो है बैटरी से ही है। बैटरी ख़राब होने वाले केस में दोस्तों या तो ईयरफोन जो है बैटरी बैकअप नहीं देता है, या फिर बैटरी जो है हमेशा चार्ज नहीं होती है, मतलब आप चार्ज में लगाए रखते हैं और रेड लाइट ग्लो करती रहती है और फुल चार्ज का जो इंडिकेशन है वो नहीं आता है, तो इस कंडीशन में भी बैटरी ख़राब होती है। अगर आपका जो है डेड हो जाए, मान लीजिए आपका जो बैटरी है चल नहीं रही है और उसके बाद अचानक से किसी दिन आपका जो है ईयरफोन डेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है 99%। दोस्तों अगर आपका ईयरफोन चार्ज हो रहा है और फुल चार्ज का इंडिकेशन भी आ रहा है और इसके बावजूद भी आपका जो ईयरफोन है चालू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है पावर बटन में दिक्कत हो सकती है। और अगर आपके में मैग्नेटिक स्विच लगा हुआ है तो मैग्नेटिक स्विच वाली वायर आपको चेक करनी है। मैग्नेटिक स्विच के साइड वाली जो वायर है, हो सकता हो उनमें से कोई वायर टूट गई हो जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा हो, तो मैग्नेटिक स्विच उस केस में काम नहीं करता है, तो आपका ईयरफोन सिर्फ चार्जिंग दिखाता है, ऑन नहीं होता है। जिस भी ईयरफोन में पावर बटन होता है तो उसमें आपको पावर बटन चेक करना चाहिए कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दोस्तों इसके केस में जो भी बैटरी, जितने भी MAH की बैटरी जो है फिट आ जाए, आप उतने MAH की बैटरी इसमें लगा सकते हैं। हालांकि 110 MAH और 130 MAH से 150 MAH से ज़्यादा इसमें साइज़ आएगा नहीं आपका। दोस्तों जो बैटरी मैंने अभी चेंज करी है वो चार्ज नहीं थी, तो इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए उसको चार्जिंग पे लगा दिया। तब तक मैं आपको ये चेक कराता हूँ बैटरी। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो है वोल्टेज जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे कम हो रहा है, और यही रीज़न है इस बैटरी के ख़राब होने की। ये ऑटोमेटिक जो है डिस्चार्ज हो जाता है और ये फुल चार्ज नहीं होती बैटरी, इस वजह से हमेशा लाइट रेड ग्लो करती रहती है। देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे जो है ये डिक्रीज हो रहा है बैटरी ऑटोमेटिक। तो चलिए मैं आपको जो है इसका PCB निकाल के दिखा देता हूँ कि आपको इस बैटरी में कैसे जॉइंट करना है। तो इसकी जो PCB है दोस्तों यहाँ पर है। ये देखिए, ये वो PCB है, इसको आपको निकाल लेना है और इसके जो दो टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको यहाँ पर दोनों ये टर्मिनल जो हैं आपको जोड़ देने हैं। देखिए पॉजिटिव वाला हिस्सा जो है ये है और नेगेटिव वाला ये है, और उसके बाद फिर आपको ये बैटरी लगा देनी है। तो ये आपको करना है दोस्तों अगर आप ऐसी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा ये चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है और ये ऑन भी हो चुका है, तो हम जो है इसको फिटिंग कर लेते हैं इसकी।
तो दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।